वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर एक प्रेडिक्शन आपने जरूर सुनी होगी कि ये वॉर पानी के लिए लड़ा जाएगा। अब वर्ल्ड वॉर का तो अभी पता नहीं, लेकिन भारत में पानी के लिए मोहल्ला वॉर जरूर शुरू हो चुकी है और ये हर साल बढ़ती जा रही है। पीपल रनिंग आफ्टर टैंकर्स फाइटिंग फॉर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, दीज सीन्स फ्रॉम दिल्ली इज नॉट समथिंग वन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द कैपिटल ऑफ एन इमर्जिंग इकॉनमी लाइक इंडिया। Amid a heat wave with temperatures nearing 50 degrees Celsius, the poor are desperately chasing water. और ये कोई tier 2 या tier 3 सिटी की बात नहीं है, बल्कि मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसी सिटीज का हाल है, जिन्हें भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। We don't have a single drop of water, neither in washroom nor in kitchen, no way. We are struggling very hard. हाल इतना खराब है कि लोग दो दो डब्बे पानी के लिए कई कई घंटों लाइन में खड़े होकर टैंकर का वेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन इस साल से शुरू हुई है, बल्कि ये बहुत सालों से लगातार चला जा रहा है और कंटिन्यूअसली अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। 2019 में चेन्नई के अंदर एक भयंकर वाटर क्राइसिस आया था, लेकिन ऐसा लगता है हम ऑलरेडी उसे भूल चुके हैं। மலையும் பெய்ய மாட்டேங்குது, ஊருக்கும் மலையும் பெய்ய மாட்டேங்குது. இந்த வருஷமா நாங்க எந்த வருஷமும் நாங்க கஷ்டப்பட்டதே கிடையாது தண்ணிக்கு. चेन्नई भारत की उन गिनी चुनी सिटीज में आता है जहां नॉर्मल से ज्यादा बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद वहां की वाटर क्राइसिस हर साल बढ़ती जा रही है। जिस तेजी से भारत के ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि साल 2030 तक भारत की 40% पॉपुलेशन के पास ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं रह जाएगा। कुछ और रिपोर्ट्स में तो और ज्यादा डरावनी तस्वीर निकल के आती है। ये बताते हैं कि 2050 तक भारत के 50% डिस्ट्रिक्ट और 30 बड़ी सिटीज वाटर क्राइसिस फेस कर रही होंगी। 2050 में अगर पूरी दुनिया में वाटर क्राइसिस का इम्पैक्ट देखो तो भारत नंबर 1 पे खड़ा होगा। और वाटर क्राइसिस की ये प्रॉब्लम सिर्फ पानी की कमी तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि इसके जो सेकेंडरी इंपैक्ट हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन हम इस सिचुएशन पे पहुंचे कैसे? क्यों वो सिटीज जहां पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है, मुंबई और चेन्नई, यहां पर भी पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं? और क्या इस प्रॉब्लम के कुछ सलूशन निकल सकते हैं? आइए देखते हैं। Investors have been flocking to the city. They're eager to invest in its thriving tech sector. But today there are long queues for water in Bengaluru. Chennai is staring at a water crisis. The city's stock of water is rapidly drying up. Now, with the onset of summer in northern India, Delhi's groundwater crisis has already become severe. In Maharashtra too, several districts are facing a potential drought. Our rivers are in danger, and the biggest threat is sewage pollution. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी में क्या बात कॉमन है? इन दोनों ही फेमस पर्सनालिटीज ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया है। यूपीएससी भारत का अकेला ऐसा एग्जाम है जिसे क्लियर करने पर आपके एक सिग्नेचर से आप लाखों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। लेकिन इतना वास्ट सिलेबस है, इंटेंस कॉम्पिटिशन है, मल्टीपल स्टेजेस होने की वजह से यूपीएससी प्रिपरेशन को हमेशा से ही डिफिकल्ट माना जाता रहा है। और इसी को आसान बनाने के लिए अन अकेडमी आने वाली 20 और 21 जुलाई को ला रहा है यूपीएससी समिट, जहां नेशन के बेस्ट माइंड्स आपकी हेल्प करेंगे अराउंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, वो भी कंप्लीटली फ्री। यस, जीरो चार्जेस हैं इस समिट के। इस समिट में आप लाइव सेशंस अटेंड कर सकेंगे, जहां पर नितिन गडकरी जी, एक्स आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई जी और अन अकेडमी के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, जिन्होंने अभी तक 1000 से भी ज्यादा ऑफिसर्स की हेल्प करी है इन देयर यूपीएससी जर्नी। तो ये अन अकेडमी यूपीएससी ऑनलाइन समिट होने वाली है 20 एंड 21 जुलाई की शाम को 4 बजे से अन अकेडमी के ऐप पर। डोंट मिस दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। भारत की वाटर क्राइसिस शहरों और गांवों में अलग अलग तरह से दिखती है, इसीलिए बात जो है शहरों से शुरू करते हैं। किसी भी एरिया में आप देखो, वाटर सप्लाई के दो ही बड़े सोर्सेज होते हैं, ग्राउंड वाटर और रिवर्स। कहने को तो हम अपनी रिवर्स की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी रेस्पेक्ट हम बिल्कुल भी नहीं करते। किसी भी मेजर सिटी के अराउंड जो भी रिवर आप देखोगे, उसमें केमिकल इतना ज्यादा फेंका जा रहा है कि वो नाले में कन्वर्ट हो चुकी है। दिल्ली के अंदर यमुना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक समय पर जिन नदियों का पानी पी पी कर उसके किनारे पर हमारी पूरी सिविलाइजेशन पैदा हुई है, हमने आज उसको इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है कि देश की 50% रिवर्स का पानी आज पीने के लायक नहीं बचा है। जनरली लोग इंडिविजुअल लोगों को गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश करते हैं कि रिवर में फूल मत फेंको, इससे पानी गंदा हो जाएगा। लेकिन इन्हीं रिवर्स के अंदर थोक के भाव में केमिकल फेंका जाता है, जो सरकारी रखवाले इंडस्ट्रीज से पैसा खाके
खुलेआम होने देते हैं। यही अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा हमारे घरों से जितना भी सीवेज एक दिन में निकलता है उसका सिर्फ आधा ही सरकार ट्रीट कर पाती है और उसका बाकी जो आधा हिस्सा है वो नालों से होते हुए शहर के पास वाली नदी में जाके गिरता है हर एक दिन। तो जिन नदियों से पीने का पानी आना था उनको हम डेली बेसिस पर गला घोंट के मार रहे हैं। पानी का दूसरा मेन सोर्स है ग्राउंड वाटर, लेकिन यहाँ पे भी कोई जादू से पानी नहीं पैदा होता, इसको रिचार्ज करना पड़ता है। जब बारिश होती है या जो पानी हम डेली यूज करते हैं अगर कच्ची जमीन है तो वहां से वो पानी नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर बन जाता है। लेकिन शहरों में एस्फाल्ट वाली रोड और पक्के मकानों की वजह से ज्यादातर पानी इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए शहरों में आप देखोगे ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। चेन्नई और मुंबई इसके दो सबसे बड़े एग्जांपल हैं। इन दोनों सिटीज में बहुत अच्छी बारिश होने के बावजूद भी बारिश का पानी रोड पर 4-4 फीट तक जमा होता है, फिर धीरे धीरे या तो इवेपोरेट होता है या फिर सीवेज के रास्ते नालों में चला जाता है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट जिस तरह से डिस्पोज किया जाता है उसके कानून इतने ढीले हैं कि इससे सिर्फ नदियां नहीं बल्कि ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट होने लगा। लेकिन जब तक ये करप्शन की ग्रीस लगाते रहते हैं इनकी मशीनें आराम से चलती रहती हैं। इन सब के अलावा भारत में कुछ सिटीज के अंदर जरूरत से ज्यादा लोग हो चुके हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये सब इसके मेन एग्जांपल हैं। भारत जैसे इतने बड़े देश में जॉब्स और डेवलपमेंट सिर्फ 10-12 सिटीज तक लिमिटेड है और ये इन सिटीज के लिए सबसे बड़ा कर्ज है। इन सिटीज में जरूरत से ज्यादा लोग होने की वजह से एक नेचुरल रिसोर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगा है क्योंकि वो एक एरिया में हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। बेंगलुरु की बर्बादी के बारे में मैंने एक वीडियो किया था जहां पर मैंने बताया कि कैसे पूरे सिटी में डेवलपमेंट के नाम पर लेक्स का जो पूरा नेटवर्क है उसको खत्म करके उसके ऊपर घर बना दिए गए और इसी वजह से आज वहां पर वाटर शॉर्टेज और फ्लड ये दोनों ही देखने को मिलते हैं। फ्यूचर की पिक्चर और ज्यादा ग्रिम है। 27 करोड़ लोग अगले 20 सालों के अंदर इन्हीं 10-12 सिटीज में और मूव करने वाले हैं भारत के गांवों से और इन नंबर से साफ हो जाता है कि हर साल लाखों लोग इन सिटीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अपनी वाटर सप्लाई के लिए ये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के पानी पे डिपेंडेंट है, लेकिन पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की और हिमाचल में कांग्रेस, लेकिन पानी की सप्लाई को लेकर इन सब ने ही हाथ खड़े कर दिए और अब बस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं। लेकिन इन सिटीज से ज्यादा कंसर्निंग है भारत के रूरल एरियाज में जो वाटर क्राइसिस हो रही है। ना वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, ना इंडस्ट्रीज लग रही है, ना अर्बनाइजेशन है, लेकिन फिर भी भारत के गांवों में वाटर क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसका सबसे बड़ा रीजन है खेती। खेती से भारत की जीडीपी का 19% हिस्सा आता है और आधे से ज्यादा आबादी भारत की खेती पर डिपेंडेंट है। पूरी दुनिया में हर देश की मिट्टी के नीचे लिमिटेड ग्राउंड वाटर है, लेकिन भारत अपने ग्राउंड वाटर को यूज करने में सबसे टॉप पे आता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारत में 70-80% जो खेती होती है वो ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंडेंट है क्योंकि यही सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है। सरकार भी खेती के लिए वाटर पंप चलाने के लिए बिजली सब्सिडी पर देती है, इसीलिए उससे जो पानी की वेस्टेज होती है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग। लेकिन जब देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट है तो ये बहुत ज्यादा करता है कि यहाँ पर पानी कैसे यूज किया जा रहा है। हमारे देश में किसान ज्यादातर टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए इनएफिशिएंट फार्मिंग पैटर्न्स की वजह से सबसे ज्यादा वाटर वेस्टेज होता है। इसके अलावा आप देखोगे चावल, गेहूं, कॉटन, शुगर केन, इसका ग्लोबल प्रोडक्शन 20% भारत से आता है और यही वो सारी क्रॉप्स हैं जिन्हें वाटर गजलिंग क्रॉप कहा जाता है, यानी इनमें पानी सबसे ज्यादा लगता है। 1950s के भारत में चलो तो ज्यादातर आपको दिखेगा वीट और राइस हम इंपोर्ट करते थे, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया ताकि हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा सके और इसीलिए इन क्रॉप्स पर सरकार ने एमएसपी देकर इनको एनकरेज किया। पंजाब में इनका प्रोडक्शन बढ़ा और हमने फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन आज हम ये सारी क्रॉप्स जरूरत से ज्यादा पैदा कर रहे हैं। इतनी ज्यादा क्रॉप एक्सपोर्ट होती हैं, फ्री में राशन में बांटी जाती हैं, लेकिन फिर भी ये बच जाती हैं, इतनी बच जाती हैं कि हम इनको स्टोर भी नहीं कर पा रहे हैं। और फिर भी ये वाटर गजलिंग क्रॉप हम लगातार उगाते जा रहे हैं। 1 किलो अगर आप राइस उगाते हो तो 2000 लीटर पानी लगता है क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा राइस पैदा होता है। वहां आप देखो 87% ब्लॉक्स में ग्राउंड वाटर क्रिटिकल लेवल से भी नीचे जा चुका है क्योंकि इनमें आज भी एमएसपी मिलता है, इसलिए फार्मर्स इन क्रॉप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और वीट और राइस में इतने ज्यादा कार्ब्स होते हैं, इसकी वजह से हमारी जो डाइट है वो भी खराब होती जा रही है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने मिलेट फार्मिंग को प्रमोट करने की बात कही है। ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है और उसमें पानी कम लगता है, लेकिन फिर भी ये कैंपेन उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब लाया गया तो क्रॉप्स को तेजी से पैदा करने की जरूरत थी, इसीलिए जो केमिकल फर्टिलाइजर है इनका यूज डेंजरसली हाई पहुंच गया था। आज जब हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज नहीं है तब भी ये फर्टिलाइजर्स बड़े अमाउंट में यूज हो रहे हैं, इससे हमारा खाना जहर बन रहा है, मिट्टी बर्बाद हो रही है और यही जहर खेतों के रास्ते गांव के ग्राउंड वाटर में भी घुल रहा है। इसी वजह से भारत के मैक्सिमम स्टेट्स में आप देखोगे ग्राउंड वाटर के अंदर फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन जैसे एलिमेंट्स डेंजरसली हाई हो चुके हैं। और इन सब के बाद क्लाइमेट चेंज भी वाटर क्राइसिस के लिए एक बड़ा रीजन बन रहा है। इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वेदर पैटर्न चेंज हुए और भारत में भी इररेगुलर रेनफॉल बढ़ते जा रहे हैं और टेम्परेचर भी डेंजरसली हाई होता जा रहा है। और जो पहले मानसून में हैवी रेनफॉल होता था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है और टेम्परेचर इधर बढ़ता जा रहा है, तो जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज थी उनका पानी लगातार कम होता जा रहा है। अगर आप गंगा जी को देखो, भारत में 40 करोड़ लोग इस पर डिपेंडेंट है, लेकिन गंगा बेसिन में भी पानी
2.6 सेंटीमीटर से नीचे जाता जा रहा है। गंगा जी में पानी कम होने की वजह से इससे जो बाकी नदियां निकलती हैं वो भी सूखती जा रही हैं। नदियों में पानी कम होता है तो डैम में भी पानी नीचे चला जाता है और फिर यहां से सप्लाई कम होती है तो आसपास की सिटीज में भी वाटर क्राइसिस आ जाती है। ये क्लाइमेट चेंज का सबसे डायरेक्ट असर है जो शहरों में रहने वाले लोग देख नहीं पाते क्योंकि उन्हें तो लगता है कि पानी तो हमारे घर के टैप से निकल के आ रहा है। अब जरा मेरे साथ एक बार इमेजिन करके देखो कि वाटर क्राइसिस अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ सालों में देश का क्या हाल होगा। भारत में बढ़ती वाटर क्राइसिस सबसे ज्यादा खेती को इम्पैक्ट करती है। 60% से ज्यादा इंडियंस खेती पर डिपेंडेंट है और इन किसानों में हर 10 में से 8 किसान अपने खेत में पानी डालने के लिए ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है। अगर वाटर क्राइसिस आती है तो सबसे पहले देश में फूड शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी। फूड आइटम्स के जो एक्सपोर्ट है उसका रेवेन्यू कम होगा और देश के अंदर भी जो खाने पीने का सामान है उसकी कीमतें बढ़ने लगेंगी। फार्मर सुसाइड के केसेस ऑलरेडी 24 पर डे के बेसिस पर आते हैं और ये रूरल डिस्ट्रेस और भी तेजी से बढ़ने लगेगा। यही इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस पर भी पड़ेगा। वाटर सप्लाई पूरी ना होने की वजह से इनके बहुत सारे काम ठप पड़ जाएंगे और जो नया इन्वेस्टमेंट है वो भी होना बंद हो जाएगा। इसकी वजह से हम इंडस्ट्रीज में जॉब्स भी कम होते हुए देखेंगे और देश में अनएम्प्लॉयमेंट और तेजी से ऊपर चला जाएगा। अपने देश में अलग अलग स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं, ये भी बढ़ते जाएंगे। हरियाणा और पंजाब 1966 से सतलुज यमुना लिंक यानी SYL कैनाल के पानी पर क्लेम करते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के पानी के लिए लड़ रहे हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर विवाद है और ये तो सबसे पॉपुलर डिस्प्यूट है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे वाटर डिस्प्यूट पूरे देश में ऑलरेडी चल रहे हैं और ये सारे बढ़ते चले जाएंगे। क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी ना होने से हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ेंगी। पानी की कमी से एक तरफ वो सारे काम बंद हो जाएंगे जहां पर सफाई के लिए पानी यूज होता है, वहीं दूसरी तरफ पानी में भी कंटेमिनेशन बढ़ेगा जिससे पूरे देश में जो पानी से बीमारियां फैलती हैं वो बढ़ेंगी, जैसे जॉन्डिस, पोलियो, डायरिया, टाइफॉइड, ये सब एक एपिडेमिक की तरह बढ़ने लगेंगी। ये छोटे लेवल पर आज भी स्लम्स एरिया में गंदे पानी की वजह से बहुत ज्यादा होती है। हर साल 2 लाख लोग गंदे पानी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और यही चीज जब पूरे देश में मास स्केल पर होगी तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर ऐसी सिचुएशन से बचना है तो कुछ सॉल्यूशंस को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिसके रिजल्ट अगले 2-3 साल में ही हमें देखने को मिल जाएंगे। क्लाइमेट चेंज तो एक ग्लोबल फिनोमेना है तो इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, इसमें तो ग्लोबल लेवल पे काम करना पड़ेगा। लेकिन बाकी चीजें भारत कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नंबर डबल करना पड़ेगा जिससे कि अभी जो हम 50% सीवेज वेस्ट को ट्रीट कर पा रहे हैं वो 100% पे पहुंच जाए। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सिटीज है इनके कुछ किलोमीटर की रेंज में रेन वाटर मैनेजमेंट शुरू किया जा सकता है जिससे जो सिटी के आसपास का ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे इंक्रीज किया जा सके। और अगर हम सिटीज का 100% सीवेज ट्रीट कर दें और रेन वाटर का सिर्फ 20% भी स्टोर कर लें तो अगले 5 सालों के अंदर जो सिटी के अंदर वाटर क्राइसिस हो रही है हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर रूरल एरिया में देखें तो ग्राउंड वाटर पर जो डिपेंडेंसी है इसको कम करने की जरूरत है। फार्मर्स को क्रॉप रोटेशन और मिलेट जैसी क्रॉप पर शिफ्ट करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार के भाषण सिर्फ काम नहीं आएंगे बल्कि सरकार को इन क्रॉप्स पर MSP बढ़ाना पड़ेगा और उन क्रॉप्स पर MSP कम करना पड़ेगा जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं। और फार्मर्स को रिवर्स और कैनाल्स के नेटवर्क से भी जोड़ना पड़ेगा ताकि वो ग्राउंड वाटर पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे। जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनको ओवर पॉपुलेटेड होने से रोकने के लिए जो नई सिटीज हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। कोई भी इंसान बड़ी सिटी में 2 ही रीजन की वजह से जाता है, हायर एजुकेशन अच्छी है और जॉब्स अच्छी है। अगर आपकी सिटी में बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाए और मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस खुल जाए तो आप दिल्ली या मुंबई क्यों जाओगे। इसके अलावा नमामि गंगे जैसे 10 और इनिशिएटिव की जरूरत है जो स्ट्रिक्ट लॉज को इंप्लीमेंट करके देश की जितनी मेजर रिवर्स हैं उनको क्लीन कर सके। लेकिन नए इनिशिएटिव को छोड़ो, सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर भी बात करनी कम कर दी है। ऐसा लगता है कि ये इनिशिएटिव ऑलरेडी फेल हो चुका है। वहीं दिल्ली में अगर देखें तो केजरीवाल सरकार ने यमुना को साफ करने के बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। दिल्ली को लंदन बनाने का प्रॉमिस किया था लेकिन आज ये लोग भी इस पर बात करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। हमारे नेता लोग एक दूसरे को ब्लेम करके अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। ये लोग रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर लोगों को डिवाइड करके अपनी दुकान चलाते रहते हैं। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनसे ऐसे जरूरी सवाल पूछें और इसके लिए उनको अकाउंटेबल ठहराएं। अरे पानी तो लाइफ और डेथ का सवाल है। ऐसा ना हो जाए कि कहीं आपको भी वाटर टैंकर्स के पीछे भागना पड़े और पेट्रोल डीजल की तरह 100-100 रुपए पर लीटर में पानी भी खरीदना पड़े। इस पर सोच के देखिएगा। बाकी अनअकैडमी समिट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसे एक बार क्लिक करके जरूर देखना। जय हिंद, वंदे मातरम।